इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग फॉर और सेलेक्टिंग द ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन वेन यू आर डिस वेन यू आर गो टू गो फॉर आ पोर्टफोलियो कंपोज ऑफ़ मल्टीपल रिस्की एसेट्स अगर आपके पास आप एक ऐसा पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें कई सारे रिस्की एसेट्स शामिल हैं तो ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन का कैसे पता चलेगा उस पर्टिकुलर चीज को अभी हम डिस्कस करने लगे हैं नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है डिफरेंट तरह की एसेट्स का जो कि रिस्की एसेट्स हैं जहाँ लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है इन ऑर्डर टू जनरेट सर्टन गिवन लेवल ऑफ रिटर्न तो एक सर्टन रिटर्न को हासिल करने के लिए आप सबसे कम रिस्क वाली कॉम्बिनेशन को तलाश करते हैं और वो कॉम्बिनेशन जिसमें गिवन रिटर्न मिल रहा है मगर रिस्क सबसे कम से कम हो जाए उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन टर्म करें कह रहे हैं ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन को हासिल करने के लिए वी विल हैव टू एनालाइज द ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड और उसमें जो अहम चीज हमने इसमें कॉन्सेप्ट को कंसिडर करना होता है ऑप्टीमल एलोकेशन के लिए दैट इज द कॉन्प्टियंट फ्रंटियर एफिशियंट फ्रंटियर मैंने एक्सप्लेन किया था इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दो पॉइंट्स जहाँ मैक्म एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जील्ड हो रहा हो एट अ गिवन वैल्यू ऑफ रिस्क कोई भी सर्टन गिवन रिस्क के वैल्यूज के ऊपर क्या पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का वो तमाम कॉम्बिनेशन जो कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर रहे हो उनको हम कंबाइन करके एक एफिशिएंट फ्रंटियर डिफाइन करते हैं तो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन के लिए हम एफिशिएंट फ्रंटियर की कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल करेंगे नाउ ऑप्टिमल का मतलब क्या है कि वो पोर्टफोलियो जो कि मोस्ट एफिशिएंट है मोस्ट एफिशिएंट का क्या मतलब है के गिवन लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या गिवन लेवल ऑफ रेवेन्यू के लिए गिवन लेवल ऑफ रिटर्न को हासिल करने के लिए आप कम अज कम रिस्क बियर करें वो कौन सी ऐसी कॉम्बिनेशन है उसको निकालना का मतलब है कि हम ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं सो थ्रू दिस ग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द ऑप्टिमल एलोकेशन इज डन

है उससे हम क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्की एंड रिस्क फ्री एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सो द इंटरसेप्ट टेल्स अस कि अगर हम इफ़ यू पुट ऑल आर मनी इन द रिस्क फ्री एसेट हाउ मच एक्सपेक्टेड रिटर्न देर वुल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू जीरो रिस्क और इसी तरह से हम ऊपर चलते चले जाएंगे तो हम रिस्क की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं रिस्क फ्री एसेट से अपने पैस, पैसे उठा के रिस्की एसेट में उसकी प्रपोर्शन को बढ़ा रहे हैं तो ऐसा करने से क्या हो रहा है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न तो बढ़ी है मगर साथ ही में आपका जो रिस्क है यानी कि स्टैंड डवेशन के वैल्यूज वो भी बढ़े हैं तो दीज आर पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच यू कैन गो फॉर बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट फंड यू हैव इसी के साथ में आपको ये कर्व देखने को मिल रहा है दिस इज दफिशंसी फ्रंटियर ये जो आपको कर्व मिल रहा है एस ए आर तक जा रहा है इस कर्व को हम बोलते हैं ये हमारा एफिशिएंसी फ्रंटियर है और एफिशिएंसी फ्रंटियर उन तमाम पॉइंट्स को लेके बना है जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हील्ड हो रहा है एट गिवन रिस्क लेवल्स तो अब ये वो तमाम कॉम्बिनेशन है जो हम ले सकते हैं एफिशिएंसी कर्व बता रहा है कि ये एफिशियट पोर्टफोलियो को बयान कर रहे हैं अब एफिशेंट पोर्टफोलियो में हमारे पास जो अवेलेबल कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर जि जो हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं अगर सपोज हम आर पे चले जाएंगे तो हमारे पास जो फंड्स पड़े हैं उनमें से कुछ फंड्स आपके इस्तेमाल नहीं हो रहे इस पॉइंट इस के ऊपर सिमिलरली अगर आप एस पे जाएंगे तो हमारे जो फंड्स हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉट एवर इज़ नीडेड फॉर दिस पोर्टफोलियो जो कि मैक्सिमम गिवन ट्वेंटी परसेंट रिस्क के ऊपर जो गिवन रिटर्न मिल रहा है आपको गिवन रिस्क के ऊपर दैट इज़ आप उससे ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में जा सकते हैं नाउ वी एंड अप चूजिंग दैट पोर्टफोलियो जहाँ आपकी कैपिटल एलोकेशन लाइन एफिशिएंसी फ्रंटियर के टेंजेंट हो विच इज़ एट पॉइंट टी सो दिस इज़ द हाइस्ट पॉइंट ऑन द एफिशंसी फ्रंटियर जो कि आप अवेलेबल फंड्स की बिना पर ले सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन को जो कि हमने टी से रिप्रेजेंट किया है के ऊपर आप मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन रिस्क जो आपको मिल रहा है तकरीबन ट्वेल्व परसेंट के ऊपर वो आप येल्ड कर सकते हैं आपका रिटर्न जो है वो ट्वेल्व परसेंट है आपका जो रिस्क है दैट इज़ ऑल्सो लेस दैन फिफ्टीन परसेंट यहाँ तकरीबन कोई फोर्टीन परसेंट आपका रिस्क चल रहा है और ये आपका ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन है ऑप्टीमल एलोकेशन ऑफ पोटफोलियो वो पोर्टफोलियो पॉइंटी के कारस्पॉन्डिंग है आपको मौजूद मिल रहा है जिसके ऊपर आप गिवन रिस्क के ऊपर मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न को अर्न कर सकते हैं